फांसी दो, सिटी जिले के अपराधियों को फांसी दो, मोहन सरकार होश में आओ, द्वारा कलेक्टर कार्यालय हरदा, विषय आदिवासी छात्रों से दुष्कर्म करने वाले मैजिक वॉइस ऐप गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी दिलाने जाने बाबत मोदी जी, सीधी जिले में मैजिक वॉइस ऐप द्वारा सात से आदिवासी छात्र दुष्कर्म मामला समाचार पत्र प्रकाश में आया है। इसमें कॉलेज टीचर वॉइस ऐप के महिलाओं की आदिवासी छात्रों से ये दस्तावेज अपने सुनसान जगह ग्रहण करने की बात सामने आई है। ये घटना बेहद ही शातिर ढंग से तथा प्रदेश के लड़कियों के मनोबल को कुचलने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म की कॉलेज के छात्रों की व्हाट्सएप ग्रुप पहुंच छात्रों को स्कॉलरशिप की जानकारी टीचरों के कॉपी करना इत्यादि भी सक्षम होने का संदेश पैदा करता है। ये घटना बेहद गंभीर है और प्रदेश की छवि को खराब करता है। आपसे निवेदन है कि आदिवासी छात्रों से दुष्कर्म करने और ऐप गैंग के कर्ता सहयोगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को फास्ट कोर्ट के माध्यम से फांसी दिलाने बाबत तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही दुष्कर्म पीड़ित छात्राओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रत्येक छात्रा को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी किए जावे। जिला उपाध्यक्ष जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन हरदा से चर्चा करने जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर अभी कलेक्ट्रेट में इन्होंने ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले तो नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमें व्हाट्सएप के माध्यम और न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि सीधी जिले में सात आदिवासी छात्राओं के साथ में गैंगरेप और बर्बरता की गई है, जिसमें वॉइस चेंज करके कुछ बहरूपियों ने उनको गुमराह करके बुलाया कॉलेज टीचर बनके।
तो इस संबंध में हमने जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। क्या मांग है? मांग ये है कि उचित कार्रवाई हो, 30 दिन के अंदर फास्ट कोर्ट में केस चला के जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा हो, प्लस जो बालिकाएं बालिकाओं को 50 लाख रुपए की सहायता मुहैया कराई जाए। धन्यवाद। राकेश ककोड़िया, जिला अध्यक्ष जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन हरदा से हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मांग रखी थी आपने? क्या देखिए, महोदय के नाम से जिसने अभी सोशल मीडिया के माध्यम प्राप्त हुआ था कि सीधी जो आदिवासी छात्राएं जिसमें नाबालिग भी थी, जिनके साथ कुछ लोगों ने उनको बेला फुसा, जो वाइस के द्वारा गांव की आवाज से बात कर उन्होंने जो बच्चियों को के साथ रेप किए, उनके विरोध में आज जयस के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है और हम लोग अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की, ताकि ऐसे दोबारा कोई घटना ना। राधेश्याम नागराज, भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष सिराली से चर्चा करने जा रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर आप आज कलेक्टेड आए? सर, जो आदिवासी महिलाओं के बच्चों के साथ अवध व्यवहार हो रहा है, जो महिलाएं बेविध रहती हैं, जैसे स्वतंत्र नहीं रह पा रही है, शासन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं कि महिला बच्चियां किस प्रकार से कॉलेज में पढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, वो स्वतंत्र नहीं रह पा रही हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में तकलीफ आ रही है। ऐसे में बच्ची अपने बच्चे पालक अपने बच्चों को पढ़ाने में संख्या पैदा करें कि शासन के होते हुए भी ऐसी ऐसी घटना का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो बच्चे अपने आप में कैसे पढ़ा पाएंगे? अगर ऐसे ऐसे दुष्कर्मी लोग अगर बच्चे के साथ ऐसे कर्म करते चले जाएंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो घर बैठे रहेंगे, वो पढ़ा नहीं पाएंगे। इतने कह के मैं अपना सत्यनारायण सुचार, कार्यकारी जिला अध्यक्ष जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, अभी कलेक्ट्रेट में है। अभी इन्होंने किन्हीं मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, उसी संबंध में इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? जिस सभी सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं सत्यनारायण सुचार। जैसे कि आपको विदित है कि आज से 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया के अंतर्गत एक पोस्ट आई थी जिसमें ये जो सीधी जिले की जो घटना है बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। आप उस सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि कोई वॉइस चेंज करने वाली एक गैंग है, इन्होंने आदिवासी जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो हॉस्टल में रहने वाली थी, उनको टारगेट करके एकाएक एक करके छात्रवृत्ति दिलाए जाने के वादा करके उन्हें सुनसान जगह बुलाया करते थे और 1-to-1 वो लड़कियों को इस गैंग जो गैंग था वो शिकार करते आए हैं और उनके साथ उन्होंने धमकी की, सामूहिक रूप से उनके साथ गैंगरेप किया। ये सारी घटनाएं जो सोशल मीडिया में आते ही हम लोगों ने एक्शन किया है। तमाम जो हरदा जैस कार्यकर्ता है, लेटर कार्य पहुंचे हैं यहाँ के और माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से निवेदन कर रहे हैं। सीधी में जो घटना घटी है संसार का मानवता को है, ऐसी घटना ना हो इसके लिए सत्य चाहिए, सनी चाहिए। तरह के माहौल आज बेटियों के बनता जा रहा है, देख रहे होंगे जिन्हें इससे पहले ऐसी दुर्दशा वाली हुई है जिससे पूरा शर्मिंदा है। शासन से कहते हैं फास्ट ट्रैक के कोर्ट के भी है, उनका आयोजन किया जाए और सजा ना हो जो इस वारदात में फंसी है, उनको तत्काल सबको वहां से रेस्क्यू किया जाए। और हमारे साथ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के छात्र प्रकोष्ठ के साथी
रोहित कुमरे भी हैं, उनसे भी चर्चा करने जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आज जयस ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आज जो मुद्दे हैं वो इस विषय को लेकर है कि अभी सिवनी जिले में जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली घटना है, तो उसी को लेकर हम आज कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उन जो दरिंदगी हुई है सिवनी जिले में, जो बेटियों के साथ में शोषण अत्याचार हुआ है, इसके खिलाफ हम यहाँ पर आज आए हैं ताकि इसलिए आए हैं कि हमारे जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो उनको न्याय मिले और उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, इस विषयों को लेकर आज हम कलेक्टर कार्यालय आए हैं। जी, तो आपको जानकारी दे रहे थे कि जो वाइस मैजिक वाइस एप गैंग है, इनके माध्यम से जो प्रवर्तक कारित हुई है उसको समूचे समाज में आक्रोश व्याप्त है और समूचे समाज ये मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता है कि वो इस मामले जल्द एक्शन ले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करें और जल्द जल्द फांसी तक पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर सहयोग करें। ये जो ज्ञापन हमारे राष्ट्रीय जय संरक्षक हीरा हलावा मनावर विधायक जी के निर्देश अनुसार ये ज्ञापन आज सौंपा जा रहा है। उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लेकर तमाम जो जयस के पदाधिकारी है, जो पूरे मध्य प्रदेश में आज जयस खड़ा है, उनके माध्यम से प्रत्येक जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर निर्देश करके हम ज्ञापन सौंप रहे हैं और आशा करते हैं जो मध्य प्रदेश में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री है वो इस ओर पर उनका ध्यान होगा और बेटियों को न्याय दिलाने में तत्परता दिखाएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये ज्ञापन सौंपा जाए।